जिंदगी हमें बहुत सपने दिखाती है, पर अक्सर हमें कुछ परिस्थितियों से समझौते करने पड़ते हैं। पर कुछ सालों बाद कुछ यादें सामने आती हैं, तो एक स्त्री उन यादों से कैसे बाहर निकलती है, उसी के ऊपर ये कविता आधारित है। तो सुनिए, गर्मियों की छुट्टियां चालू हुई नहीं कि बच्चों का घूमने जाने का रोना चालू। गर्मियों की छुट्टियां चालू हुई नहीं कि बच्चों का घूमने जाने का रोना चालू। मेरा आज बाहर जाने का कोई मन न था। मेरा मूड देखते हुए इन्होंने कहा, चलो मैं बच्चों को फार्म हाउस ले जाता हूँ। इन सबको गाड़ी में बिठाकर अंदर आई तो लिखने की मेज पर धूल की परत दिखी। वो साफ करने बैठी ही थी कि मेज की दराज साफ सफाई करने का इशारा देने लगी। सारी डायरियां पन्ने समेट कर बाहर रखने लगी। किसी पन्ने पर अधूरी कहानी तो कहीं पर अधूरी शायरी, किसी पन्ने पर अधूरी कहानी तो कहीं पर अधूरी शायरी, किसी शब्द के पीछे का पूरा वाक्या याद आने लगा तो किसी पर अधूरी कहानी का सारांश मिलने लगा। तभी मेज के दराज के कोने में नजर गई एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में पुरानी डायरी हाथ लगी। कुछ पन्ने खोलकर पढ़ने लगी तो एक सूखा गुलाब हाथ लगा। कितना सहेज कर रखा था अरमानों के साथ, मानो अभी भी प्यार की गवाही दे रहा था। उस पन्ने से अभी भी महक आ रही थी जो मेरी यादों को तरोताजा कर रही थी। पुराने घाव हरे होने लगे तो प्रश्न उठा, क्या अभी भी प्यार बरकरार है? आज वहां होती तो क्या खुश होती। परदेश में नाते रिश्ते माता पिता दोस्तों से दूर, अपनी मिट्टी संस्कृति से दूर, क्या ऐसी गुमनामी की जिंदगी जी पाती? क्या पिज्जा बर्गर जींस टॉप में रह पाती और वहां बेवफाई मिलती तो कहां जाती? सोचते सोचते सुबह से शाम हो गई। हाथ का गुलाब भी बेरंग लगने लगा। महक भी जाने कहां गायब हो गई। सूखे गुलाब की पंखुड़ियां भी बिखरने लगी। इतने में पीछे से इन्होंने एक गुलाब दिया। फार्म हाउस में गुलाब लगाए थे तो सोचा तुम्हारे लिए ले आए। बच्चे आकर मेरी गोदी में खेलने लगे। मैंने नया गुलाब डायरी में रखा और मेज की दराज को सलीके से साफ किया। धन्यवाद।